नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। तो बड़ी खबर आ रही है कि भारत ने जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित क्षेत्रों में बांटा है, उसके बाद चीन की तरफ से एक विवादास्पद बयान आया। चीन की जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है गेंग स्वांग, उसने कहा कि भारत ने जिस तरीके से ये लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया है और जम्मू कश्मीर का दो हिस्सों में बांटा गया है, वो गैर कानूनी और अमान्य है। और इसको लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने करारा जवाब दिया और उन्होंने कहा कि चीन जो कुछ कह रहा है वो उसका मामला नहीं है। भारत का जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के दो अभिन्न हिस्से थे और इस पर चीन ने पाकिस्तान की मदद से 1963 से कब्जा कर रखा है, वो अवैध रूप से कब्जा है। और चीन जिस जगह की बात कर रहा है, जिस पर दावा कह रहा है कि भारत ने उस जगह पर अपना अधिकार करने की कोशिश की है, क्योंकि गेंग स्वांग ने यह कहा था कि भारत ने लद्दाख के अंदर चीनी हिस्से पर भी अपना अधिकार जमाने की कोशिश की है, जो कि चीनी संप्रभुता के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसको लेकर रवीश कुमार ने कहा कि चीन को भारत की एकता और जो अखंडता है, उसकी जो संप्रभुता है, उसका सम्मान करना चाहिए और दुनिया के हर देश को इस बात का सम्मान करना चाहिए कि भारत अपने देश में किसी भी राज्य के अंदर कोई भी बदलाव करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है और किसी भी दुनिया के किसी भी देश को ये अधिकार नहीं कि वो इस मामले में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करे। और इससे पहले भारत ने यह भी कहा कि चीन और पाकिस्तान मिलकर जो CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, वो भी भारत के ही हिस्से से होकर जा रहा है, इसलिए चीन को उस पर भी जवाब देने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो बहुत बड़ा हिस्सा था, एक तरफ पाकिस्तान ने उसको POK के नाम से दबा रखा था और दूसरी तरफ वो हिस्सा दबाया हुआ था अक्साई चीन के नाम से चीन ने। तो भारत अब अगर POK की बात करता है तो निश्चित तौर पर अक्साई चीन पर भी हम अपना अधिकार जमाने की बात करते हैं। और आज चीन ने खुद उस मुद्दे को एक बार फिर से उठा दिया, जिसका जवाब विदेश मंत्रालय ने दिया है। दरअसल ये जो टेरिटरी है जिसे अक्साई चीन का नाम दिया जाता है, ये देखते हुए दबा लिया था। और उस समय भारत का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू से जब इस मामले में संसद पर 5 दिसंबर 1961 में बहस हो रही थी और पूछा गया था कि चीन ने हमारा बहुत बड़ा भूभाग पर कब्जा जमा लिया और आप अभी भी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने में लगे हो, तो इस पर जवाहरलाल ने एक बहुत विवादास्पद बयान दिया था और उसने कहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा बंजर जमीन है, वहाँ घास का एक तिनका तक नहीं उगता, पेड़ की तो बात छोड़ दीजिए। और इस पर तब के पूर्व मंत्री रह चुके और कांग्रेस पार्टी के ही बड़े नेता रहे महावीर त्यागी ने एक बड़ा बयान दिया था, उनके सर पर बाल नहीं थे और उन्होंने नेहरू की तरफ इशारा करते हुए अपने सर पर हाथ फिराते हुए पूछा था कि क्या जवाहर मेरे सर पर एक भी बाल नहीं उगता है, तो क्या मेरे सर को भी किसी को दे दोगे। और इसके बाद जवाहरलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ था, लेकिन तब तक चिड़िया खेत चुक चुकी थी। और उसके बाद 1963 में जब पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान को अलग से अपने हिस्से में मिलाया, तब उसने एक बहुत बड़ा भाग चीन को भी गिफ्ट में दे दिया था और चीन इसी का हवाला देता है, जिसका जिक्र विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने भी कहा। और उन्होंने कहा कि इट हैज़ इलीगली एक्वायर्ड इंडियन टेरिटरीज फ्रॉम POK अंडर सो कॉल्ड चाइना पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट ऑफ 1963। यानी कि चीन ने चाइना पाकिस्तान जो एग्रीमेंट एक हुआ 1963 में, सो कॉल्ड एग्रीमेंट, उसके तहत इसने हमारी बहुत सारी ज़मीन को अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, जो कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य है, इसलिए वो ज़मीन हमारी है। निश्चित तौर पर अब ये दो बातें जो अब तक चल रही थी, कि अभी तक यही बात हो रही थी कि जब जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से 370 और 35 से हटाने के बाद भारत का अभिन्न अंग पहले भी था, लेकिन अब पूरी तरीके से ये भारत का एक राज्य बन चुका है, तब क्या भारत POK पर अपना दावा ठोकेगा। तो POK के ऊपर तो भारत का दावा प्रधानमंत्री से लेकर सेना प्रमुख तक और उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी जता चुके हैं। अब चीन के द्वारा इस मामले में टांग अड़ाने के बाद विदेश मंत्रालय ने भी कह दिया है कि अक्साई चीन हमारा ही हिस्सा है और हम अक्साई चीन पर भी अब चीन के साथ बात करेंगे। निश्चित तौर पर यह अच्छी खबर है भारत के उन लोगों के लिए जो भारत की एकता अखंडता में विश्वास करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जैसी पार्टियां या लाल हरे चैनल इसको विवादास्पद मान सकते हैं, उनके लिए लद्दाख के उस हिस्से की कोई कीमत नहीं है जिसे अक्साई चीन कहा जाता है और जहां चीन ने कब्जा कर रखा है।
या उनके लिए उस पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए हिस्से के भी कोई कीमत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं कश्मीर के उस हिस्से की जिस पर अब तक 370 और 35 से धाराएं लागू ही हो रखी थी और जहां अलग संविधान होता था, अलग झंडा हुआ करता था। लेकिन आज की जो सरकार है वो जनता के जो मनोभाव है उनके अनुसार चुनी हुई सरकार जानती है कि पूरा देश इस समय चीन और पाकिस्तान से अपना जो हिस्सा है, जो जम्मू कश्मीर की ज़मीनें हैं, उनको वापस लेने के मूड में है। और यही वजह है कि भारत ने बार बार पाकिस्तान को भी कह दिया है कि पीओके से तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। पीओके भारत का हिस्सा था, गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा था और वो भारत का ही हिस्सा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ चीन को भी हमने अब बता दिया है कि चीन भी किसी मुगालते में न रहे, भारत किसी भी देश से डरता नहीं है और अपनी ज़मीन, अपने क्षेत्र के जो हमारा अधिकार है उस पर हम अपना अधिकार ही रखेंगे। और दोनों यूनियन टेरिटरी में बांटने के पीछे ये भी बड़ा कारण था कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार थी वो लद्दाख के रीजन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। यही वजह रही कि लद्दाख का बहुत सारा हिस्सा अक्साई चीन के रूप में चीन ने कब्जा कर लिया और कांग्रेस की सरकारों ने कभी उस पर बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये सारी की सारी समस्या कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल के द्वारा पैदा की गई थी। और जवाहरलाल के उस शर्मनाक बयान जिसका जिक्र हमने किया था, जो उसने 5 दिसंबर 1961 में दिया था, वो जवाहरलाल की क्या नीयत थी चीन और पाकिस्तान को लेकर जम्मू कश्मीर के बारे में, इसको स्पष्ट कर देती है। क्योंकि पाकिस्तान ने भी जो बहुत बड़ा भारत का हिस्सा है, चाहे उसे पीओके का नाम दिया हो या गिलगित बाल्टिस्तान का, वो सब का सब जवाहरलाल के प्रधानमंत्री रहते हुए ही कब्जा किया था और जवाहरलाल सिवाय अपनी अय्याशियों को अंजाम देने के और कुछ नहीं कर पाए थे। जवाहरलाल के प्रधानमंत्री रहते ही चीन ने भारत पर आक्रमण भी किया और उस आक्रमण से पहले जवाहरलाल नारा देते थे हिंदी चीनी भाई भाई का, और उसमें चीन ने भारत की पीठ में छुरा भोंका था। आज के जो लाल चैनल हैं या लाल राजनेता हैं जो लाल सलाम करते हैं, वो उस समय चीन की इस कार्रवाई का विरोध नहीं कर रहे थे और वो कह रहे थे कि चीन ने जो कुछ किया है वो अच्छा किया है। आज जब इतिहास पर दोबारा नज़र डालने की ज़रूरत है तो निश्चित तौर पर ये सारी बातें भी याद करी जाएंगी और याद किया जाएगा कि 31 अक्टूबर 2019 को किस तरीके से भारत की एक चुनी हुई सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर 72 साल से एक काला कानून चला आ रहा था, एक काली परंपरा चली आ रही थी, उसको तोड़ दिया और जिसको लेकर सरदार पटेल की जयंती के दिन उसको यादगार बना दिया, क्योंकि सरदार पटेल शुरू से चाहते थे कि जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से भारत का अंग बने। जैसे और राज्यों को भारत में मिलाया गया था, वो उसी तरीके से जम्मू कश्मीर को भी भारत का अंग बनाना चाहते थे। लेकिन जवाहरलाल की उस जिद के कारण, जिसमें उसने कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में सरदार पटेल की नीति के अनुसार चलूँगा, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो बात होगी वो मेरे तरीके से होगी, वो मेरे तरीके से होगी। और इसकी वजह ये थी कि जवाहरलाल की शेख अब्दुल्ला से बहुत गहरी दोस्ती थी। इसके कारण क्या थे ये तो बहुत ज़्यादा रहस्य का विषय है, लेकिन जवाहरलाल हर हालत में शेख अब्दुल्ला को बहुत बड़ा स्टेटस देना चाहते थे जम्मू कश्मीर में। हालांकि एक बार जब राजा हरी सिंह ने जब शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया था, तो जवाहरलाल धौंस दिखाने के लिए जम्मू कश्मीर पहुँच गए थे और तब महाराजा हरी सिंह ने जवाहरलाल को गिरफ्तार करा दिया था। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये वो सारी बातें थी। जब 1947 में जम्मू कश्मीर का विलय की बात आई थी तो जवाहरलाल इसको लटकाने पर अड़े हुए थे और जवाहर की ही वजह से उसमें तमाम शर्तें डाली गई, अलग से संविधान की बात की गई, धारा 370 की बात की गई, 35 से तो खैर बाद में डाला गया। और इसका विरोध सरदार पटेल ने तब भी किया था और उन्होंने कहा था कि इस तरीके से इसको विशेष दर्जा हम नहीं दे सकते हैं। सरदार पटेल चाहते थे कि भारत के सभी राज्य लगभग बराबर हों, लेकिन जवाहरलाल नेहरू अपनी दोस्ती निभाने के लिए और अपनी जो लोग आरोप तो ये भी लगते हैं कि कुछ रिश्तेदारी निभाने के लिए शेख अब्दुल्ला को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे थे। और यही वजह थी कि जब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था तो वहाँ के मुख्यमंत्री को सदर रियासत की उपाधि दी गई थी, कभी प्रधानमंत्री की उपाधि दी गई थी, बाद में इसको मुख्यमंत्री के तौर पर माना गया था। तो निश्चित तौर पर जो सारे प्रावधान थे उनके पीछे अगर कोई था तो वो जवाहरलाल नेहरू था और जवाहरलाल नेहरू की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर का 2/1 से ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान के पास है और करीब करीब 1/4 हिस्सा चीन के कब्जे में है।
और उसके बावजूद कांग्रेस कहती है कि जम्मू कश्मीर के जो कानून बदले गए, जो 370-35 से हटाया गया, ये ठीक नहीं हुआ, इसका तरीका ठीक नहीं था और इस तरीके से संविधान का गला घोटा गया। तो उन लोगों से सवाल पूछे जाने चाहिए कि संविधान का गला घोटा गया था जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और जब पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका कब्जा लिया था भारत का, और चीन ने भी बहुत बड़ा हिस्सा कब्जाया था। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए जब भारत ने पाकिस्तान के 90,000 से ज़्यादा सैनिकों को छोड़ने की बात की थी, उस समय अगर इंदिरा चाहती, इंदिरा थोड़ा जोर देकर बात करती, तो शायद पाकिस्तान के पास जो पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा है वो हम बदले में ले सकते थे। लेकिन उस आयरन लेडी ने सॉफ्ट हार्ट दिखाते हुए वो सारे के सारे सैनिक वापस कर दिए थे, लेकिन अपनी ज़मीन वापस वो नहीं ले पाई थी, इतनी ज़्यादा सख्त हृदय महिला थी वो। और इसको लेकर आज तमाम बातें हो सकती हैं, लेकिन चूंकि अब वो दुनिया में नहीं है इसलिए जवाब देने के लिए वो हाजिर नहीं हो पाएगी। लेकिन सवाल तो पुरानी जो गलतियां हुई हैं इतिहास में, कांग्रेस सरकारों की गलतियों का खामियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं और उसको सुधारने का एक ही तरीका है कि हम सख्ती से अपने देश के हितों की बात करें, अपनी संप्रभुता की बात करें, अपनी अखंडता की बात करें। अगर कोई भी देश हमें आँखें दिखाता है तो हम उसको आँखों में आँखें डालकर बात करने का जज्बा भी रखें, जो कि इस सरकार के अंदर दिखाई देता है। और इसका आज सबसे बड़ा सबूत विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने गैंग स्वांग, जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है चाइना के, उनको जवाब देकर दे दिया है। जय हिंद, जय भारत।